कहाँ जा रहे हैं भाई? अपना भाखड़ा झील, भैया गोविंद सागर झील, भैया भाखड़ा नकल डैम, भाखड़ा नकल डैम के साथ में ही है। तो भैया आज हमारे पाजी कह रहे हैं आज घूम कर आना है, आज 26 जनवरी है और आज घूम जाना है, कुछ भी हो जाए सरकारी छुट्टी है। हमने चलो पाजी तुम्हें ले चलते हैं, कोई बात नहीं, घूम कर आएंगे आज भाखड़ा नकल डैम। तो भाई लोगों अगर भाखड़ा नकल डैम देखना है आपको तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको पूरा, है नहीं पाजी? अभी हम चलेड़ा से ऊना को जा रहे हैं, ऊना से फिर कितना 20 किलोमीटर है, ऊना से 20-22 किलोमीटर है भाई। तो चलो कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बाइक है हमारे पास, चल दिए हैं। तो यार गाइस, अगर आप भी आना चाहते हैं भाखड़ा नकल डैम या गोविंद सागर झील घूमने, तो सबसे पहले काम आपको करना होगा, आपको एक पास लेना होगा, जो पास यहाँ पर बनता है और निःशुल्क बनता है, कोई पैसा नहीं जाता पास का, क्योंकि यहाँ पर एंट्री करना ज़रूरी होती है, क्योंकि आगे खतरनाक रास्ता है, पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पर कोई दुर्घटना अगर हो गई आपके साथ या वैसे कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जानकारी होना चाहिए, इसलिए पास का बनना बहुत ज़रूरी है। तो भाई लोगों, आप ऑल इंडिया या वर्ल्ड से भी कहीं से भी आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से पास लेना होगा, और ये नकल डैम से या 10 से 12 किलोमीटर दूर पहले पास बनता है, पहले पास लेने के बाद फिर आपकी एंट्री होगी भाखड़ा नकल डैम पर, और बिना पास के आपकी एंट्री नहीं होगी। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं, सबसे पहला काम अगर भाखड़ा नकल झील घूमने जा रहे हैं, इंडिया से कहीं से भी आते हैं, तो सबसे पहले आपको पास बनवाना होगा। पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पास के बिना आपकी एंट्री नहीं होगी और पास बिल्कुल निःशुल्क बनता है। तो यहाँ पर एक चौक है, यहाँ पर चौक पर इनका ऑफिस है, और इसमें पूरी डिटेल, पूरी जानकारी लिखी है भाखड़ा नकल डैम की और गोविंद सागर झील की।
आप लोग अगर आओगे यहाँ पर पास बनवाओगे तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो। बहुत सारी डिटेल लिखी है, इंग्लिश में लिखी है, पंजाबी में लिखी है, फिर हिंदी में लिखी है, तो इसलिए आप कोई सी भी भाषा जानते हैं आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। आप आराम से अपना पास बनवा के भांगड़ा नगल डैम को घूम सकते हैं। पर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो भांगड़ा नगल झील में, गोविंद सागर झील में, वहाँ पर बोटिंग वोटिंग भी होती है शायद। वहाँ पर बहुत सारी बोर्ड और किस्ती भी पड़ी हैं, मछियारों की किस्ती भी, मच्छी भी मारते हैं लोग वहाँ पर। तो अगर आप लोगों को आना है तो भाई सबसे पहले पास, पास के बाद ही आपकी एंट्री होगी, वरना उससे पहले एंट्री नहीं होगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग गए थे नगल डैम, और नगल डैम गए वहाँ पर आज शनिवार नहीं, आज 26 जनवरी, आज 26 जनवरी करके वो बंद रहा, छुट्टी थी सरकारी छुट्टी थी, इसके चलते हमें पास नहीं मिला तो हमारा जाना भी बेकार हो गया। हम लोग गए और जाके वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर जाने नहीं दिया, रोड बंद था। 26 जनवरी करके छुट्टी थी, पास भी बना नहीं आज। और हमारे साथ में थे हमारे बड़े भाई अंकित भाई। अंकित भाई हाय कर दो। हाय दोस्तों, क्या रहा फिर, कैसा रहा? तेल भी फूके आए, जाने को भी नहीं मिला, बताओ भाई कुछ कुछ भी नहीं बोलो। तुम्हें तो सिम बेचना होगी तो फटाफट बोलो, अरे ले लो भाजी ले लो। हाँ यार, इतना बेनिफिट है, एयरटेल की ले लो, एयरटेल की पोर्ट कर देनी है भाई। ये कैमरे के सामने थोड़ा शर्माते हैं, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलने लगेंगे, कोई बात नहीं। पर आज हमारे संग में थोड़ा बुरा हुआ, हम लोग गए भी 20-22 किलोमीटर, कम से कम 30-32 किलोमीटर 30-32 किलोमीटर गए। यहाँ पे हम लोग तैयार हुए, हमने पूरा अपना इंतजाम किया, और वहाँ पर जाने के बाद 6 किलोमीटर दूर रह गया था वहाँ से भांगड़ा नगल डैम। और जब वहाँ पर हम पहुँचे, हम पास बनवाने के लिए गए, तो वहाँ पर पता लगा कि आज छुट्टी है और आज पास नहीं बनेगा, या आप कल आइए या फिर अगले वीक में आइए। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब जब आ गए तो फिर कोशिश बहुत करी हम लोगों ने जाने की, पर नहीं जाने दिया। हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे पूरे इंतजाम के साथ। तो अगली बार जाएंगे हम भांगड़ा और आपको दिखाएंगे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, है नहीं भाई? चलो ठीक है भाजी, अपना चलते हैं घर वापसी। भाई लोगों, हम वापसी आने लगे हैं क्योंकि आज हमें जाने नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम जरूर जाएं। अगले हफ्ते से पहले ही पहले अगर टाइम मिलता है तो हम लोग जरूर जाएंगे वहाँ पर, और पास बनवा के पूरा वहाँ पर घूम के आएंगे।